Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully, you all will be fine, doing well, learning a lot from my channel. To learn maximum from my channel, subscribe it, comment on the videos, like these videos, share it with maximum students as much as you can.

सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारे फिक्रात को हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी और रूल्स की प्रैक्टिस हो जाए फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस किन सिचुएशन में यूज़ होता है ये ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि मुस्तबिल में किसी ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू होंगे और एक खास वक़्त तक फ़ारन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम ये जारी रहेंगे यानी मुस्तबिल में वो एक्शन शुरू होगा और एक ख़ास पीरियड के लिए वो जारी रहेगा ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है वो फुटबॉल खेल रहा होगा यानी मुस्कबिल में वो कहीं खेलना शुरू करेगा और फिर वो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम तक वो एक्शन कॉन्टिन्यू रहेगा यानी उसका खेलना जारी रहेगा ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है ये जो उर्दू के फिक्रात के आखिर में रहा होगा रही होगी रहे होंगे वगैरह ये इसके सेंटेंसेस की पहचान है कि ये फिक्रात फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में ट्रांसलेट किए जाएंगे हेल्पिंग वर्ब शेल बी और विल बी यूज़ होगा फ्यूचर इंडेफिनेट की तरह है जिस तरह से शेल और विल शेल आपको बताया था आई और वी के साथ यूज़ होगा और विल ही शीट यू दे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ विल भी यूज़ होगा नौ में से दो के साथ शेल भी है और सात के साथ जो है वो विल भी यूज़ किया जाएगा ये मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं जो के कभी भी इस्तेमाल में आते हैं वह फर्स्ट फॉर्म आएगी आई एन जी के साथ और कॉन्टीन्यूस के जो तीनों टेंसेज हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है पास्ट कॉन्टीन्यूस है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है जो मेन वर्ब है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म ही आ रही है और आई एन जी उसके साथ यूज़ उस किया जा रहा है तीनों का एक जैसा ये सिंपल सा रूल है अब जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं उनके सामने एक डाई बना के रख दी जाए और उसमें वो फ़िकरा ट्रांसलेट करें तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं अगर ये बंदा जेन में रखे तो विक्रिय जो हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट आएगा शेल और विल प्लस बी और व फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जी अब शेल और विल जो होगा वो आपको पता है कि आई बुई के साथ शेल है बाकी सबके साथ विल है नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस व फर्स्ट फॉर्म विद आय जी प्लस ऑब्जेक्ट यानी शेल नॉट बी विल नॉट बी शेल बी के दरमियान नॉट आना है शेल नाट बी विल नॉट बी फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शेल और विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आयान जी प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेसन और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो सवालिया मनफी होते हैं शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी यानी शेल के बाद सब्जेक्ट विल के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी फिर वह फर्स्ट फॉर्म विदायन जी और प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर पे साइन ऑफ इंटरोगेसन आ जाएगी तो ये जो टेंस है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं कॉन्टीन्यूस के जो टेंसेज है कॉन्टीन्यूस टेंसेज को प्रोग्रेसिव टेंसेज भी कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है अब हम इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो इनके ऊपर पूरा उतर ही हों ताकि हमें इनके मुताबिक फिक्रात को बनाना आ जाए ये एग्ज़ैम्पल्स हैं जिन जो इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूरा उतर रही हैं वो फुटबॉल खेल रहा होगा ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल पॉजिटिव सेंटेंस है फर्मेटिव है सब्जेक्ट आ गया और चूँकि ये ही शी एट वगैरह के साथ और सिंगुलर नाउन यू दे रूरल नाउंस के साथ विल आना है आई वी के साथ बस शेल आने है ही जेन में रखा जाए कि आई वी के साथ शेल है बाकी सब के साथ विल है तो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल और अगर हो कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा आई शेल बी प्लेइंग फुटबॉल ये भी फर्मेटिव है अब नेगेटिव देखें ज़रा उसमें शेल विल नॉट बी आ जाएगा तो देखें अगर शी है वो फुटबॉल नहीं खेल रही होगी शी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल और वी वी शेल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल वी है तो शेल शेल नॉट आएगा और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होंगे तो आपको पता है शेल विल स्टार्ट पे आ जाएगा फिर सब्जेक्ट और फिर बी आएगा तो अगर हो के क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे विल यू बी प्लेइंग फ़ुटबॉल और क्या वो फ़ुटबॉल खेल रहे होंगे विल दे बी प्लेइंग फ़ुटबॉल और अगर हो के लड़के क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे विल दी बॉयज़ नॉट बी प्लेइंग फ़ुटबॉल ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है विल दी बॉयज़ नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन वर्ड्स से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो देखिए क्वेश्चन वर्ड तो तभी है के लड़के कब फुटबॉल खेल रहे होंगे लड़के क्यों फ़ुटबॉल खेल रहे होंगे लड़के कहाँ फ़ुटबॉल खेल रहे होंगे अगर ये इस तरह से आएगा सवा सवालिया लफ्ज़ आएगा कब कहाँ क्यों वगैरह तो फिर ही वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आएगा तो सवालिया फिक्रे में जब क्वेश्चन वर्ड भी हो तो फिर ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट पे आता है वो आ, कब फुटबॉल खेल रही होगी वन विल शी बी प्लेइंग फ़ुटबॉल और अगर हुआ आ जाएगा हु विल बी प्लेइंग फुटबॉल फुटबॉल कौन खेल रहा होगा तो यहाँ भी हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हु प्लेइंग फुटबॉल ये तो एग्जाम्पल्स हो गई जहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट्स उनके साथ शेल विल का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्म करना नेगेटिव फॉर्म करना इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ताकि हमें कम अज कम सेंटेंस की फॉर्मेशन आए और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर इसे जो है वो पूरा उतारना हमें आए अब हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं एक्सरसाइज डिटेल्ड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करें और हमें इस टेंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो तो अब हम इस टेंस की एक्सरसाइज शुरू करते हैं पहले डी एक्सरसाइज होगी पहला सेंटेंस है कि लड़के सवाल निकाल रहे होंगे द बॉयज़ विल बी सॉल्विंग और डूइंग यानी सॉल्विंग आ सकता है या डूइंग द क्वेश्चन और सम्स तो क्वेश्चन या सम्स में से कोई एक लफ्स आप यूज़ कर सकते हैं हजाम यहाँ पर रोज़ आ रहा होगा दी बारबर विल बी कमिंग हीयर डेली और थर्ड सेंटेंस है वो तुम्हारी तलाश नहीं कर रहा होगा ही विल नॉट बी लुकिंग फॉर यू या ही विल नॉट बी सर्चिंग फॉर यू तो लुकिंग की जगह पे आप सर्चिंग एस ई ए आर सी एच आई एन जी सर्च बी सर्च फॉर भी तलाश करना डॉक्टर मरीज़ को नहीं देख रहा होगा तो इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं दी डॉक्टर विल नॉट बी ट्रीटिंग देशेंट पे, अब यहाँ पर एग्जामिन देशेंट यानी ट्रीटिंग की जगह एग्जामिन ई e -E, एक्स ए एम आई एन ई एग्जामिनिंग दी पेशेंट ना क्या वो नया कलम खरीद रहा होगा विल ही बी बाइंग ए न्यू पेन और फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे होंगे विल दे बी परफॉर्मिंग और डूइंग और फुलफिलिंग देयर ड्यूटी तो परफॉर्मिंग डूइंग और फुलफिलिंग में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं बारिश हो रही होगी तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इट विल बी रेनिंग वो एक तस्वीर बना रहा होगा विल बी ड्रॉइंग ए पिक्चर और फिर है कि क्या वो नमाज अदा कर रहा होगा विल ही बी से घी कीमत बढ़ रही होगी प्राइस ऑफ गी विल बी राइजिंग और गोइंग अप या तो आप राइजिंग राइजिंग का मतलब या आप कहेंगे राइजिंग या कहेंगे गोइंग अपर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ठंडी हवा वक़े वक़े से चल रही होगी ठंडी हवा वकफ़े वकफ़े से चल रही होगी कूल ब्रीज विल बी ब्लोइंग एट इंटरवल्स या विद इंटरवल्स फिर सेंटेंस है कि क्या सूरज गुरूब हो रहा होगा विल दी सन बी सेटिंग क्या मालिक अपने नौकर को हुक्म दे रहा होगा विल दी मास्टर बी ऑर्डरिंग हिज़ सर्वेंट ऑर्डर हुक्म देना मास्टर आका सर्वेंट गुलाम नौकर तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मास्टर साहब तख्ता से या पर लिख रहे होंगे तो इसकी ट्रांसलेशन होगी विल दी टीचर बी राइटिंग ऑन दी ब्लैक बोर्ड क्या वो उसको मुंह चढ़ा रहा होगा विल ही बी मेकिंग फेसेस एट हिम और वो हवाई किले बना रही होगी शी विल बी बिल्डिंग कैसल्स इन दी एयर ये इसका मतलब है कि कोई प्रैक्टिकल काम ना करना हवा में ही जो है वो किले तमीर करी जाना उसका सांस रुक रुक कर आ रहा होगा शी विल बी गैसपिंग तो सांस का रुक रुक के आना इट्स गैस इन दिनों पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं पड़ रही होगी इट विल नॉट बी स्नोइंग ऑन दी माउंटेंज दीज डेज़ या नो डेज चोर मकान को नकब लगा रहे होंगे द थीव्स विल बी ब्रेकिंग इन टू दी हाउस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपको वक्तन फवक्तन ख़त लिख रहा हूँ आई शैल बी राइटिंग लेटर्स टू यू ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन तो ये ज़ेन में रखें यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं आई शेल बी राइटिंग टू यू एक तो है कि राइटिंग टू यू आई शेल बी राइटिंग टू यू ऑफ एंड ऑन मैं उसकी राह तक रहा हूँगा आई शेल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हर वज़ी अजम डॉक्टरों की खदमात को सराह रहे होंगे दी प्राइम मिनिस्टर विल बी प्रेजिंग द सर्विसज ऑफ द डॉक्टर्स नेक्स्ट है कि डॉक्टर मरीज़ के मुंह पर पानी छिड़क रहा होगा द डॉक्टर विल बी स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन पेशेंट्स फेस लड़के गरीब बेकारी का मजाक नहीं उड़ा रहे होंगे द बॉयज़ विल नॉट बी लाफिंग एट द पुअर बैगर या विल नॉट बी मेकिंग फन ऑफ द पुअर बैगर मेक फन ऑफ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं लड़कियाँ झूला नहीं झूल रही होंगी दी गर्ल्स विल नॉट बी स्विंगिंग दी स्वंग्स विल नॉट बी स्विंगिंग दी स्वंग्स झूला झूलना नेक्स्ट सेंटेंस है सर्दियों में दरख्तों के पत्ते क्यों नहीं गिर रहे होंगे तो वाई विल दी ट्री लीव्स नॉट बी फॉलिंग इन दिनटर सीजन घोड़ा हवा से बातें कर रहा होगा इसका मतलब कि बहुत तेज भाग रहा होगा दी हॉर्स विल बी गैलपिंग वो दर बदर भी क्यों मांग रही होगी वाई विल शी बी बैगिंग फ्रॉम डोर टू डोर अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ग्रामर तलबा घर वापस जा रहे होंगे द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग बैक टू होम या कर सकते हैं कि दी स्टूडेंट्स विल बी रिटर्निंग होम यानी गोइंग बैक टू होम की जगह आप लिख लें रिटर्निंग होम सदर जलसा तकरीर कर रहे होंगे दी प्रेजिडेंट ऑफ द मीटिंग विल बी डिलीवरिंग और मेकिंग ए स्पीच नेक्स्ट सेंटेंस मोज़ज़ मेहमान इनाम तकसीम कर रहा होगा दी गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी गिविंग अवे प्राइजेज या विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेज मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँगा आई शैल बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा और बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा द चाइल्ड विल बी सर्चिंग और लुकिंग फॉर हिज टॉय ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे दी ड्रमर्स या ड्रम बीटर्स ड्रमर्स कह लें या ड्रम बीटर्स विल बी बीटिंग दी ड्रम्स हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे वी शेल बी वाइट वॉशिंग दी हाउस और फौज दुश्मन पर गोलियां बरसा रही होगी द आर्मी विल बी फायरिंग शॉट्स एट दी एनमी नेक्स्ट सेंटेंस है तुम दरिया में नहा रहे होगे यू विल बी टेकिंग बाथ इन द रिवर या यू विल बी बेथिंग इन द रिवर ंग इन द रिवर वो कुत्ते को छड़ी से मार रहा होगा ही विल बी बीटिंग दी डॉग विद ए स्टिक इंजीनियर पुल की मुरम्मत कर रहे होंगे द इंजीनियर विल बी रिपेयरिंग दी ब्रिज मैं किताब की जल्द बना रहा होंगा आई शैल बी बाइंडिंग दी बुक बाइंड होता है जल्द बनाना पागल कुत्ता लोगों को काट रहा होगा दी मैर डॉग विल बी बाइटिंग दी पीपल जख्मी का खून बह रहा होगा दी ब्लड ऑफ विल बी फ्लोइंग या दी वूड विल बी ब्लीडिंग आप इसे इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं बच्चा खिलौना तोड़ रहा होगा द चाइल्ड विल बी ब्रेकिंग द टॉय अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेगेटिव सेंटेंसेस की है इसका पहला टेंस पहला सेंटेंस है लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे दी पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टूडे सेकेंड सेंटेंस है डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा दी डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट गवर्नर मेरी अर्जी पर गौर नहीं कर रहा होगा द गवर्नर विल नॉट बी कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन विल नॉट बी लुकिंग इन टू माई एप्लीकेशन लुकिंग इन टू बी आ सकता है वो सुलह कर रहे होंगे दे विल बी कमिंग टू गुड टर्म्स कम टू गुड टर्म्स है सुलह करना या दे विल बी मेकिंग पीस मरीज़ दवाई की खुराक नहीं पी रहा होगा द पेशेंट विल नॉट बी टेकिंग द डोज ऑफ मेडिसिन फिर है बच्चे कागज़ की कश्तियाँ नहीं तैरा रहे होंगे द चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लोटिंग पेपर बोट्स और गाड़ी तेज़ नहीं चल रही होगी तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द ट्रेन विल नॉट बी रनिंग फास्ट औरतें हार नहीं बना रही होंगी द वेमन विल नॉट बी मेकिंग गारलेंड्स या स्ट्रिंगिंग गारलेंड्स तुम दौड़ों में हिस्सा नहीं ले रहे होगे यू विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन रेसेज यू विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन रेसेज मोची जूते तैयार नहीं कर रहा होगा दी कॉबलर या शू मेकर आप इसे शू मेकर भी कह सकते हैं विल नॉट बी मेकिंग शूज़ वो मकान खाली नहीं कर रहे होंगे दे विल नॉट बी वकेटिंग दी हाउस दे विल नॉट बी वकेटिंग दी हाउस नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो माल सस्ता नहीं बेच रहे होंगे दे विल नॉट बी सेलिंग गुड्स चीप अच्छे दुकानदार माल जख़ीरा नहीं कर रहे होंगे गुड शॉपकीपर्स विल नॉट बी होर्डिंग गुड्स स्मगलर दिन के वक्त सामान स्मगल नहीं कर रहे होंगे दी स्मगलर्स विल नॉट बी स्मगलिंग इन दी डे टाइम एक आदमी दूध में पानी नहीं मिला रहा होगा दी नोबल मैन विल नॉट बी मिक्सिंग वाटर विद मिल्क इंट्रोक्टिव सेंटेंसेज की ये एक्सरसाइज है इस टेंस की ये लास्ट एक्सरसाइज है इसका पहला सेंटेंस है कि बच्चे कब सो रहे होंगे व्हेन विल दी चिल्ड्रेन बी स्लीपिंग किसान फसल कब बो रहे होंगे व्हेन विल दी फार्मर्स बी सोइंग क्रॉप यहाँ बी भी आना है व्हेन विल दी फार्मर्स बी सोइंग क्रॉप फिर है कि क्या मजदूर सड़क हमवार कर रहे होंगे विल दी लेबर बी लेवलिंग द रोड लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे वेयर विल दी पीपल बी गैदरिंग और असेंबलिंग गैदर या असेंबल वेयर विल दी पीपल बी गैदरिंग और असेंबलिंग गैदर या असेंबल है जमा होना सितारे कब चमक रहे होंगे वैन विल दी स्टार्स बी शाइनिंग फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुसाफिर घर पहुंच रहे होंगे विल दी ट्रेवलर्स बी रीचिंग होम फिर हम उनका इस्तेबाल कहाँ कर रहे होंगे वेयर शैल वी बी ग्रीटिंग और रिसीविंग और वेलकमिंग दैम फौज मुल्क का दफा कैसे कर रही होगी हाउ विल दी आर्मी बी डिफेंडिंग दी कंट्री अब ये क्वेश्चन वर्ड कैसे कर रही होगी तो कैसे के लिए हाउ तो इसलिए फिर वो सेंटेंस के स्टार्ट पे हाउ विल दी आर्मी बी डिफेंडिंग कंट्री नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या दोनों फ्रीक जमीन के इस टुकड़े पर लड़ रहे होंगे विल बोथ दी पार्टीज बी फाइटिंग ओवर दिस पैच और ट्रैक्ट ऑफ लैंड पैच ऑफ लैंड या ट्रैक्ट ऑफ लैंड क्या तुम मेज को पीछे धकेल रहे होगे विल यू बी पुशिंग द टेबल बैक क्वेश्चन मार्क भी आएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन सवाल फिक्र है वो क्यों झूठ बोल रहा होगा वाई विल ही बी लाइंग और टेलिंग ए टेलेंगे या तो आप वाई विल ही बी लाइंग या विल ही बी टेलिंग ए लाए रेलगाड़ी देर से क्यों आ रही होगी वाई विल द ट्रेन बी अराइविंग लेट वाई विल द ट्रेन बी अराइविंग लेट क्या नौकर ताजा सब्जी खरीद रहा होगा विल दी सर्वेंट बी बाइंग फ्रेश वेजिटेबल्स क्या लड़की चरखा रही होगी तो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे विल दी गर्ल बी रनिंग दी स्पिनिंग व्हील विल दी गर्ल बी रनिंग दी स्पिनिंग व्हील और कितने मजदूर पुलतामीर कर रहे होंगे हाउ मैनी लेबर विल बी कंस्ट्रक्टिंग दी ब्रिज अब ये एक डिटेल्ड एक्सरसाइज है जो हमने इस की की है इनको लिखें इन सेंटेंसेस को लिखा करें फ़ाइल इसकी इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ पे मौजूद है ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप बॉक्स की फ़ाइल उसको डाउनलोड कर लें अगर आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता तो उसका तरीका भी एवरीडे कंप्यूटर की जो प्ले है उसमें दिया हुआ है उसको देख के डाउनलोड कर लें इनको इन इमेज़ को वहाँ से डाउनलोड करके इन फिक्रात को लिख लें प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें आज हमारे छः टेंस मुकम्मल हो गए हैं तीन इंडेफिनट के तीन कॉन्टीन्यूस के हमने कॉन्टीन्यूस की नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज करनी है मिक्स एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद हमने इन छः टेंसेज की और प्रैक्टिस के लिए कुछ पैसेजेस छोटे छोटे पैराग्राफ्स जो हैं वो उर्दू में होंगे हम उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे ताकि अब तक जो हमने सीखा है हम उसकी और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें उम्मीद है आप लोग काम कर रहे होंगे आपको समझ आ रहे होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैप्पी लर्निंग थैंक यू